नमस्कार, मैं सोनिया सिंह, स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो सोशल साइंस में 9वीं से 10वीं की मैं बात कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 6ठी से 8वीं तक के SST के बारे में, 6ठी से 8वीं तक के कॉमन पेपर के बारे में डिस्कस किया है। सब कुछ बता चुकी हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करूंगी 9वीं से 10वीं तक के लिए SST में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या क्या डिग्री डिप्लोमा आपके पास और पेपर पैटर्न और सिलेबस जो जरूरी है आपको पता होना। 9वीं से 10वीं तक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, बीएड आपने कर रखी है, एसटेट का जो हमारा पेपर है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने करवाया पिछले महीने, वो यदि आपने 50% पे क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, सीटेट नहीं चलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि ये क्राइटेरिया आपके पास है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं भारत में, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो बहुत जरूरी है वो है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बाद एग्जामिनेशन पैटर्न। लैंग्वेज का एक पेपर आपको क्वालिफाई करना है जो है 100 नंबर का, 25 नंबर की इंग्लिश मस्ट है, 75 नंबर में जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे, हिंदी, उड़िया, मराठी, गुजराती, जो भी आपको चुनना है, 100 में से 30 नंबर आपको क्वालिफाई करना है। दूसरी तरफ एग्जामिनेशन पैटर्न में मेन कंसर्न पेपर 2 में कुल मिलाकर के 120 नंबर का आपका पेपर है, 40 नंबर आपका GS का है जिसमें आपसे बिहार के बारे में नेशनल मूवमेंट पूछेंगे, इसके अलावा आपसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी GS का पूरा सेक्शन होता है। इसके साथ साथ 80 नंबर आपसे पूछा जाएगा। क्या कोशिश कीजिएगा कि सब्जेक्ट में जब भी आप SST में 9वीं 10वीं में अपने विषय को चूज करेंगे उसमें आपको जो चुनना है, या तो आप, वैसे तो यहाँ पर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, लेकिन आपको इसमें से हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हिस्ट्री या पॉलिटी चूज कीजिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी चूज कीजिए, ज्योग्राफी या पॉलिटी चूज कीजिए, यानी कि या तो एक विषय इंश्योर हो आपका हिस्ट्री हो, एक विषय इंश्योर हो आपका ज्योग्राफी हो, ठीक है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी कर लीजिए, ठीक है, या फिर हिस्ट्री के साथ आप यहाँ पर पॉलिटी कर सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी कर सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, है ना। लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय आपका मस्ट होना चाहिए, एक विषय वो आपसे स्वयं पूछेंगे, यानी कि सब में से पेपर नहीं पूछेंगे ना। हिस्ट्री सिर्फ यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन्हीं में से पेपर पूरा आपका पूछा जाएगा। दो मस्ट जो यहाँ पर विषय होंगे आपको चुनने पड़ेंगे पेपर देते हुए, जो चुनेंगे आप उनसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया। हिस्ट्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ज्योग्राफी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। 9वीं से 10वीं तक के बारे में मैंने बात की, और साथ में क्योंकि सिलेबस आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो कवर करेंगे SST में वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल मूवमेंट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ विषय आपसे पूछेंगे जिसमें कि आपका सोशल और रिलीजियस मूवमेंट पूछेंगे, 1857 आपसे पूछा है, गांधी जी के बारे में पूछा है, और बिहार के एक आदि जो हिस्ट्री जैसे बक्सर की बात करें, है ना, ये जो कुछ आपको लगता है कि भाई ये सवाल आपसे पूछने बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कॉम्बिनेशन बना करके सवाल आपसे पूछने जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगेन फोकस उसी के ऊपर है, 9वीं से 10वीं तक की यहाँ पर जो बिहार की अपनी स्कूल एजुकेशन की किताब है उसको पढ़िएगा, और साथ में NCERT की किताबें मस्ट रहेंगी 9वीं से 10वीं में, जिसमें कि अभी NCERT की भी जो किताबें हैं हमारी उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं, एक इंटरनेशनल मूवमेंट को छोड़ दे तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। कोई एक विषय चुनना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से, हिस्ट्री मस्ट है, ज्योग्राफी मस्ट है, कोई दोनों में से एक चुन करके कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, चाहे वो हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री के साथ पॉलिटी हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी के साथ यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। पेपर 2 विषयों में से मस्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। आपका कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, बीएड, एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई यदि आपका है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप प्रिपरेशन आप करते रहेंगे। बाकी सारी क्वेरीज परेशानी के लिए चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs, सारे नोट्स, कंटेंट टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।